मेरी क्रिसमस टू ऑल माय फ्रेंड्स। इस अवसर पर मैं चॉकलेट का बॉल का रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैं डार्क चॉकलेट लेके आई हूँ। ये डार्क चॉकलेट 150 ग्राम का है। ये देखिए, फ्रिज में रखने से इतना टाइट हो गया है ये। और उसके साथ मैं ये डार्क कंपाउंड स्लैब ली हूँ जो हाफ के जी का है। दोनों को मिक्स करके चॉकलेट बॉल बनाऊंगी। देखिए, पैकेट से निकालने से, देखिए ये फ्रिज में रखने से इतना हार्ड हो गया है, फिर भी ये छोटे छोटे पीस में हो जाएगा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। वेलकम बैक टू माय कुकिंग सेक्शन। यहाँ देखिए, ये चॉकलेट अमूल चॉकलेट का क्यूब है जिसको मैं पाउडर करूँगी चॉक बॉल को रैप करने के लिए। और ये डार्क चॉकलेट का पीस है, और ये जो डार्क कंपाउंड चॉकलेट का स्लैब है जिसको मैं छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लूँगी इस तरह से। ये इतना बड़ा पीस तोड़ लेना काफी है। अब चलिए बनाते हैं चॉकलेट बॉल। अगर इसको हिंदी में बोलें तो कहेंगे चॉकलेट का लड्डू। क्रिसमस के ओकेशन के लिए इससे बेटर और क्या हो सकता है। तो इसमें डालने के लिए मैं बादाम ली हूँ। बादाम यहाँ मैं 1.5 कप ली हूँ। इसको भी छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेंगे। यहाँ अमूल चॉकलेट का पाउडर बना दी हूँ। बॉल को रैप करेंगे। आपको अलग से कोको पाउडर लेने की ज़रूरत नहीं है, सब अमूल चॉकलेट से हो जाएगा। और यहाँ क्रीम लगेगा। क्रीम में 2 कप ली हूँ, फ्रेश घर का क्रीम है ये। चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। चॉकलेट बॉल बनाने के लिए गर्म पानी कर लेंगे, उसके ऊपर बॉल रख लेंगे। क्रीम को मेल्ट करेंगे इसमें अच्छी तरह से। आप मीडियम फ्लेम पर इसको मेल्ट कर लें, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से। अब इसमें चॉकलेट को मिला लेंगे। इसमें आसानी से ये सभी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा। लगातार चलाते रहने से ये बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है। सभी को इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिला लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से दिखाई देगा मेल्ट होने के बाद। ये देखिए, इतना बढ़िया से मेल्ट हो गया है। अब इसमें आलमंड डालेंगे। मैं क्रश करके डाल रही हूँ, आप चाहें तो पीस वाला भी डाल सकते हैं। और इसको अब फ्लेम से नीचे उतार लेंगे, क्योंकि जितना मेल्ट करना था उतना मेल्ट हो गया है ये स्टीम से। अब इसमें शुगर मिलाएंगे। फाइन शुगर में क्रश कर ली हूँ, इसमें मिला लेंगे। क्योंकि डार्क चॉकलेट कड़वा होता है तो थोड़ा मिठास के लिए इसमें शुगर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ 1/2 कप शुगर डाल ली हूँ क्रश करके। देखिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको 2 घंटा के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए, तभी बॉल बनेगा। ये देखिए, 2 घंटा के बाद निकालने से कुछ इस तरह से दिख रहा है। चलिए शुरू करते हैं बनाना। बहुत ही आसान है। इसको लेंगे, देखिए कितना हार्ड हो गया है। इसको रोल कर लेंगे लड्डू के जैसा। जितना बड़ा साइज चाहिए आपको, साइज ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगता है। और इसको पाउडर में रैप कर लेंगे। देखिए, चॉकलेट पाउडर इतना फाइन तैयार करके उसमें रैप आसानी से हो जाएगा। आप देखिए, इस तरह से दबा कर भी गोल बना सकते हैं।
सुंदर सा एक शेप दे देना है इसको। ये देखिए बहुत ही सुंदर। इसी तरह से सभी को बना लेना है, ढेर सारा चॉकलेट बॉल बनकर तैयार होगा। क्योंकि हमारे पास 700 ग्राम जैसा चॉकलेट था, उसमें क्रीम आलमोंड शुगर मिलाकर ढेर सारा आपका चॉकलेट बॉल बनकर तैयार हो जाएगा। आप इस ओकेशन में इंजॉय कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ खाइए, खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन बाय वंस अगेन, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय एंड हैप्पी न्यू ईयर।